पासोत्री मांगों को लेकर चौथे दिन भी नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। अजमेर जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी पासोत्री मांगों को लेकर चौथे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मचारियों की मांग यह है कि केंद्र के समान पदनाम व नर्सिंग ऑफिसर के नाम की घोषणा और 9000 जीएनएम एएनएम की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 29 अप्रैल तक मानी जाए। इसके साथ ही कई मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारी गांधीवादी तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी 503 मांगों को पूरा नहीं कर लेती है तब तक वह इसी तरह से गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कुशला मीणा के अधीनस्थ आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से सरकार को हमारी मांगों के लिए आह्वान किया गया है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमने 4 सूत्री मांगे रखे सरकार के सामने और कई दिनों से हम काली पट्टी लगाकर गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं, पर इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और अगर हमारे इस आंदोलन से अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमारा यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और हम इसको और उग्र तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू सुखवाल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल।